की दोपहर की खबरों में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चंद्रशेखर बावनकुले ने साधा महाविकास आघाड़ी पर निशाना। बावनकुले ने कहा कि एकनाथ शिंदे की सरकार ओबीसी को आरक्षण देगी। मंत्रिमंडल की बैठक में लिखा गया बड़ा फैसला, औरंगाबाद अब संभाजीनगर तो उस्मानाबाद का नाम अब धाराशिव। और तोहगांव में बीमार युवक को नाव के सहारे अस्पताल में कराया भर्ती, बाढ़ के कारण रास्ते पर भी भर गया था पानी। अब खबरें विस्तार से। चंद्रशेखर बावनकुले ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे की ओर निशाना साधा है। उन्होंने कहा महाविकास आघाड़ी सरकार का पद जाने से उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ओबीसी को राजकीय आरक्षण देने के लिए कार्रवाई पूरी करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और जब तक देवेंद्र फडणवीस सरकार कार्यकाल में थे तब भी ओबीसी को न्याय मिला था और अब भी मिलेगा, ऐसी प्रतिक्रिया चंद्रशेखर बावनकुले ने दी है। की नागपुरात जाऊन एक राहावं लागला। आता मला जास्त बोलत नाही या विषयावर, पण मला सांगा जर आता बघा महाविकास आघाडी सरकार असतं आणि गडचिरोली पूर आला असता तर महाविकास आघाडी सरकारने काय केलं असतं? फेसबुक लाईव्ह, व्हिडिओ कॉन्फरन्स। 2 दिवसात माननीय देवेंद्र फडणवीस जी आणि एकनाथ शिंदेजींनी गडचिरोलीचा रात्रभर दौरा केला। महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या सर्व चुकीच्या निर्णयावर त्या ठिकाणी कारवाई केली। थेट सरपंच केले, थेट नगराध्यक्ष केले, थेट बाजार समित्या केल्या। पॉलिटिकल राजकीय फायदा करता जे जे तुम्ही उद्ध्वस्त केला महाराष्ट्र, पेट्रोल डिझेलचे रेट स्वस्त केले, तुम्ही ते एक पैसाही तयार नव्हते करायला। विधानमंडळात आम्ही किती बोललो, माननीय देशाच्या पंतप्रधानांनी सांगितलं की 23 राज्यांनी केलं तुम्ही करत नाहीये। आणि आता 3 रुपये 5 रुपये केला तुम्ही टीका करता, तुम्हाला अधिकार तरी आहे काही बोलायचा? त्यामुळं 2.5 वर्षात पुढच्या काळात जे सरकार करेल या महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांना संजय राऊत साहेबांसाठी सर्वांना तोंड दाखवी जागा राहणार नाही, एवढं काम शिंदे फडणवीस सरकार करणार आहे। माठोडा पोलीस थाना अंतर्गत अल्युमिनियम तार का एक बंडल चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और चोरी का पूरा माल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। माठोडा पुलिस थाना अंतर्गत 24 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे वादी के प्लॉट पर काम कर रहे मजदूर ने उन्हें फोन पर सूचित किया कि एल्युमिनियम तार का एक बंडल किसी अज्ञात चोर ने चुरा लिया है। वादी ने इसकी शिकायत माठोडा पुलिस थाने में दी। इस मामले में मुखबिर पत्रकारों की खबर से पुलिस ने आरोपी का पता लगा लिया है और उसे हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। उक्त अपराध में गिरफ्तार आरोपी से जब अपराध में चोरी हुए सामान के बारे में बारीकी से पूछताछ की गई तो उसने इसमें शामिल वस्तुओं के बारे में अस्पष्ट जवाब दिया। इस मामले में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और चोरी का पूरा मुद्देमाल पुलिस ने जब्त कर लिया है। आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। नमस्कार, मी प्रोबेशनरी PSI गजानन राऊत, वाठोडा पोलीस स्टेशन येथे अपराध क्रमांक 195/22 3/79 भादवीप्रमाणे दाखल होता। सदर गुन्ह्यामध्ये आरोपीने फिर्यादी संजय मोढोरिया यांच्या प्लॉटवरून काही वायरचे बंडल चोरून नेले होते। तर सदरचा गुन्हा तपास पथकाचे अंमलदार अतुल अश्विन बडगे हे करत होते। तपासादरम्यान माननीय DCP Zone 4 यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाठोडा पोलीस स्टेशनच्या तपास पथकाने आपले धागे दोरे फिरवून व विश्वसनीय खात्रीलायक सूत्राच्या माहिती सूत्रांकडून सदर गुन्ह्याबाबत माहिती मिळून नितीन रेवडिया नावाच्या एका आरोपीला सदर गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली आहे। आणि या गुन्ह्याबाबत सदर आरोपीकडे सखोल विचारपूस केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली देऊन या आरोपीकडून गुन्ह्यातील मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। त्याचबरोबर त्याच्याकडून एक पल्सर गाडीसुद्धा जप्त केलेली आहे। असा 53,800 रुपयाचा मुद्देमाल सदर आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेला आहे। त्याचबरोबर सदर आरोपीने अपराध क्रमांक 252/2022 या गुन्ह्याची सुद्धा कबुली दिलेली आहे।
आणि या गुन्ह्यातील मुद्देमाल सुद्धा सदर आरोपी कडून जप्त करण्यात आलेला आहे। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। मुंबई में वंश शक्ति एनजीओ ने मेट्रो आर ए कार शेड का काम बंद कर दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि रॉयल पाम प्राइवेट बिल्डर की जगह ले और उस बिल्डर को 4,800 करोड़ तक FSI TDR दे। उन एनजीओ को अमेरिका से पैसा मिला था। चिरघर में नए पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है। कांजुर के लिए 30 हेक्टेयर जमीन ही ली जाए तो 15 हेक्टेयर की जरूरत पड़ेगी। ऐसी राय किरीट सोमैया ने इस वक्त दी। मुंबई में मेट्रो आर्य कार शेड का काम रोकने वाली एनजीओ वन शक्ति रॉयल पाम प्राइवेट बिल्डर की जगह पर कार शेड करिए, 4,800 करोड़ का उस बिल्डर को FSI TDR मिलेगा। झटका ओआर दूसरा एनजीओ एक घंटे में 82,000 ऑब्जेक्शन के ईमेल भेजे, पैसे कहां से आए वो झटका ओआर को? अमेरिका से। एक भी झाड़ नया काटना नहीं पड़ेगा। अरे कार सेट के लिए 30 हेक्टर जमीन, अगर कांजुर को भी कार सेट लेके गए तो 15 हेक्टर लगेगी, हजारों झाड़ कटेंगे, 5,500 हेक्टर जमीन लगेगी। ये सब ये एनजीओ की कमाल के कारण गुलाबा सिर्फ का प्रकल्प 7 साल देरी हो चुकी है। 23,000 करोड़ का खर्चा 43,000 करोड़ रुपया होगा। अब तो एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पत्रकार परिषद ली गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम बदलने संबंधी निर्णय की जानकारी दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक हुई। उसके बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई। इस वक्त उन्होंने कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले की जानकारी दी है। औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर अब छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है, जबकि कैबिनेट बैठक में उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव रखने का बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह जानकारी दी है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कर दिया गया है। आज की कैबिनेट बैठक में 165 विधायकों के बहुमत से ये बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरा एक MMRDA जे आहे ते मोठ्या प्रमाणावर प्रोजेक्ट जे आहेत राबवते, म्हणजे विविध क्षेत्रामध्ये MMR मध्ये, आणि आपल्याला माहित आहे मेट्रो, फ्लायओव्हर, रस्ते, ट्रॅफिकच्या वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी अनेक प्रकल्प, किंबहुना शिवडी न्हावाशेवा अतिशय मोठा प्रकल्प, हे अनेक प्रकल्प जे आहेत ते MMRDA राबवते, आणि ते राबवत असताना त्यांना जी काय आर्थिक आवश्यकता असते त्याच्यासाठी त्यांनी 60,000 कोटीपर्यंतचं कर्ज उभारण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये त्याला मान्यता दिलेली आहे। या कर्जापैकी पहिल्या टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या 12,000 कोटी रकमेची आज त्यांना शासन हमी देखील दिलेली आहे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये, जेणेकरून कुठलाही प्रकल्प थांबणार नाही। कारण मला वाटतं आपल्या कारकिर्दीमध्ये त्यावेळेस अनेक प्रकल्प सुरू झाले आणि मध्ये 2 वर्षामध्ये कोविड असेल किंबहुना आणखी काही कारणं असतील, त्यामुळे जे काही कुठलेही हे प्रकल्प जे आहेत वेळेमध्ये पूर्ण व्हावेत म्हणून तोही निर्णय आम्ही आज महत्त्वपूर्ण घेतलेला आहे। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो,
बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आप सबका फिर से स्वागत है। नागपुर में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया था, इसलिए अब पुलिस निरीक्षक शुभांगी वानखेड़े ने नागरिकों को स्थानांतरण करने की सलाह दी है। कपिल नगर के रास्तों एवं घरों की हालत देख उन्होंने नागरिकों को उनके जानवरों के साथ स्थानांतरित हो जाने के लिए कहा है और नागरिकों से सतर्क रहने के लिए भी अपील की है। आम्ही पोलीस दलाच्या वतीने, मी शुभांगी वानखेडे पोलीस निरीक्षक कपिल नगर, हे आवाहन करते सगळ्या नागरिकांना, खास करून नाल्याच्या ठिकाणी जे राहणारे आहेत, वस्तीत राहणाऱ्या लोकांना आम्ही आवाहन करू इच्छितो की नाल्याचं पाणी जे आहे त्याची पातळी वाढलेली आहे। गोरेवाडा तलावामधून पण पाणी सोडण्यात आलेलं आहे, त्याच्यामुळे पण पातळी वाढलेली आहे। सतधार जी सुरू आहे पावसाची, त्याच्यामुळे सुद्धा पाण्याची पातळी वाढलेली आहे। त्याचप्रमाणे जे उतारावर राहणारे लोक आहेत त्यांच्या घरामध्ये सुद्धा पाणी शिरलेलं आहे। मग आता ह्या याच्यातल्या लोकांना आम्ही आवाहन करतो असं की त्यांनी पाणी शिरलेलं असल्यामुळे घरामध्ये स्थानांतरित व्हावे, त्याचप्रमाणे त्यांच्या घरामध्ये जे पण पाळीव प्राणी असतील आणि ज्यांचं गाई म्हशीचं वगैरे असं दुग्ध व्यवसाय आहे त्यांनीसुद्धा आपल्या प्राण्यांची स्थलांतर करावे काही दिवसांसाठी आणि सुरक्षित राहावे, असंच आम्ही त्यांना आवाहन करतो। आम्ही जसं न्यूजपेपरमध्ये आलेलंच आहे की कॉर्पोरेशनचे याचे इमर्जन्सी नंबर दिलेले आहेत त्यांनी, त्यांचा हे करावा वापर। त्याचप्रमाणे 100 किंवा 112 ज्या आमच्या पोलिसांना तुम्ही म्हणजे इझिली ॲक्सेसिबल आहे हा जो नंबर आहे त्याने डायल करून आम्हाला हे करावं, आम्ही त्वरित तुम्हाला शक्य तेवढ्या लवकर आम्ही तुम्हाला सुरक्षा प्रदान करू आणि तिथून रेस्क्यू करायचा प्रयत्न करू। आम्ही बेबला बांध के गेट के पास तैरने गए युवक की गेट से सर टकराने की वजह से मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार पानी का बहाव तेज होने के कारण वो पूल में फंस गया और पूल से सिर टकराने से उसकी मौत हो गई। बेबला बांध की ये मौत की घटना 15 जुलाई के शाम 4 बजे बेबला बांध के पास हुई। सचिन नंदलाल बधोड़, उम्र 18 साल, मृतक का नाम बताया जा रहा है। मृतक सचिन घर पर यह कहकर गया था कि वो एक दोस्त के साथ खेत में खाना खाने जा रहा है। मृतक सचिन और उसके साथ रहे 5 दोस्त बेबला डैम आए थे। मृतक सचिन अपनी तैरने की इच्छा को रोक नहीं पाया, वो बांध के पुल के पास उल्टा तैर रहा था लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वो पुल में फंस गया और अनुमान है कि पुल से सिर टकराने से उसकी मौत हो गई और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबुलगांव ग्रामीण अस्पताल भेजा गया है। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महेंद्र की रिपोर्ट। चंद्रपुर जिले के तोहगांव में एक बीमार युवक को नाव से बाढ़ से गुजरते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोठारी थाने के थानेदार तुषार चौहान और वन विकास निगम के वन कर्मचारियों के इस कार्य से सभी तरफ उनकी सराहना हो रही है। गुणपिपरी तालुका के तोहगांव को बाढ़ ने घेर लिया है, आने जाने के रास्ते बंद थे, ऐसे में वाघड़े परिवार पर संकट आ गया। परिवार के एक बेटे साहिल कालिदास वाघड़े को बहुत तेज बुखार था। तोहगांव स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारियों ने मरीज को तुरंत जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन रोगी को कैसे ले जाया जाए ये बड़ा सवाल था। ऐसी विकट परिस्थिति में गांव के सरपंच फिरोज पठान ने गुणपिपरी के तहसीलदार केडी मेशराम को संकट की सूचना दी। तहसीलदार ने बिना समय गवाए एक एम्बुलेंस के साथ कन्हलगांव अभयारण्य के कन्हलगांव शिविर संख्या 4 में भाग लिया, लेकिन इस रास्ते पर एक पेड़ गिरा था, इस कारण वाहन आगे नहीं बढ़ सका। अंत में एम्बुलेंस वापस मुड़ गई। फिर कोठरी थाने के थानेदार तुषार चौहान एवं पुलिस कर्मियों और वन विकास निगम के वन कर्मचारी भी मौजूद थे। इन दोनों विभागों के कर्मचारियों ने सड़क से गिरे पेड़ को हटाकर सड़क खोली। कोठारी थानेदार चौहान कुत्ता लेकर गांव पहुंचे और मरीज को नाव से जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। साहिल कालिदास वागाड़े 18 वर्षाचा युवक की परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाल्यामुळे त्याला तोहगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये भरती करण्यात आले। भरती केल्याअंती डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार त्याच्या मेंदूमध्ये मलेरिया, टायफॉइड किंवा डेंगू अशा प्रकारचा आजार त्याच्या मेंदूमध्ये शिरलेला असल्यामुळे
इथं त्याचा उपचार होऊ शकत नाही, त्याच्यामुळं त्याला चंद्रपूरला रेफर करण्यासाठी त्यांनी सल्ला दिल्यानंतर आम्ही गोंडपिपरीचे तहसीलदार के डी मेश्राम यांच्याशी संपर्क साधून कारण वर्धा नदीला समांतर पूर आल्यामुळे संपूर्ण तोगावला पुराचा वेढा आहे आणि तोगावातून बाहेर जाण्याचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नाही। अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही गावकरी ग्रामपंचायत प्रशासन मिळून डोंग्याची व्यवस्था केली आणि पलीकडून तहसीलदार साहेब यांनी ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था करून स्वतः तहसीलदार दक्षता घेऊन स्वतः ॲम्ब्युलन्सवर येऊन हा आम्ही रिस्क्यू ऑपरेशन करून ह्या पुराच्या कमीत कमी 15 फूट पाण्यामधून 15 फूट उंचीचं पाणी न वेढलेलं असताना आम्ही डोंग्याच्या माध्यमातून त्याला चंद्रपूरला त्याच्या प्रकृती सुधारण्याच्या दृष्टीने आम्ही चंद्रपूर जिल्हा आरोग्य केंद्रामध्ये जिल्हा रुग्णालयामध्ये त्याला भर्ती करण्यासाठी पाठवण्यात आले। बीड जिले के जिला परिषद स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा का मामला एक बार फिर सामने आया है। बीड तालुका के कामखेड़ा में जिला परिषद स्कूल में कक्षा की दीवार का हिस्सा गिरने से एक छात्र घायल हो गया। इस घटना में छात्र विजय ओवल का हाथ टूट गया है। मानसून से पहले इन स्कूलों की मरम्मत करना जरूरी था, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये घटना जिला प्रशासन की ओर से मामले की पूरी तरह से अनदेखी करने के कारण हुआ है। हाँ। काल मैडम शिक्षित होते हैं, अचानक भिंत पड़ी हुई थी, सुंदी माग बसले होते हैं, पूरी बसले होते अचानक भिंत पड़ी, कुठे पड़ी थी भिंत? यही तो पड़ी हुई थी। अच्छा, काय दवाखान्यात गेलता का? गेलतो। काय सांगितलं मग डॉक्टरने? डॉक्टर म्हणले 15 दिवस राहणार आहे। काय प्लास्टर का? हा, हात नाही टाईट झालं तर पुरे दे। मग काय शिकवत होता मॅडम त्यावेळेस? काय चालू होतं शिकवायला? कोणता विषय होता? बीड जिल्ह्यामधल्या जिल्हा परिषद शाळा ज्या आहेत, बऱ्याचशा शाळा ज्या आहेत त्या इंग्रजकालीन आहेत, बऱ्याचशा शाळांची अवस्था जीर्ण पडझड झालेली आहे आणि शिक्षक आणि विद्यार्थी जीव धोक्यात घालून या ठिकाणी शिक्षण घेत आहेत आणि मान्सूनपूर्व पावसाळ्याच्या पूर्वी या शाळांची दुरुस्ती करण्यात यावी यासाठी वारंवार तक्रार आम्ही जिल्हाधिकारी यांना केल्या होत्या, शिक्षणाधिकारी यांना केल्या होत्या। 6 जून रोजी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गाजर दाखवा आंदोलन केलं होतं की शिक्षण विभाग किंवा पालकमंत्री हे केवळ ग्रामस्थांना गाजर दाखवत आहेत, परंतु आरोग्य आणि शिक्षण याच्यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्याचं दाखवत असताना जर वस्तुस्थिती जर आपण पाहिली तर या ठिकाणी आपण पाहतोय की कामखेडा बीड तालुक्यातील कामखेडा या गावी या शाळेमध्ये अचानक विद्यार्थी या ठिकाणी बसलेले होते आणि अचानक हे पडलंय की सुदैवानं त्या विजय जो नावाचा मुलगा आहे त्याच्या हाताला थोडी दुखापत झालेली, परंतु जर तुम्ही पाहिलं या ठिकाणी या प्रमाणामध्ये जे आहे ते या प्रमाणे हेच प्रकार जर एखाद्या मुलाच्या डोक्यात पडल्या असं समजा वगैरे तर मोठ्या प्रमाणात दुर्घटना घडली असती। प्रश्न असा निर्माण होतो की कोट्यवधी रुपये शिक्षणावर खर्च होत असताना याला जबाबदार कोण? पाठीमागे आम्ही त्यांना म्हणतो की जर दुर्घटना घडली समजा तर तिला जबाबदार कोण? मग शिक्षणाधिकारी जबाबदार धरायचं, मुख्य कार्यकारी जबाबदार धरायचं का जिल्हाधिकारी का शिक्षणमंत्री जबाबदार धरायचं? त्यामुळे आमची अशी मागणी आहे की तात्काळ ज्या जीर्ण अवस्थेत शाळा ज्या आहेत त्यांच्यावर तात्काळ निधी उपलब्ध करून देऊन त्या तात्काळ दुरुस्त करण्यात याव्यात अशी आमची मागणी। व्हीकेबी न्यूज के दोपहर के खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए व्हीकेबी न्यूज। नमस्कार।